नमस्कार जी, मैं हूं आपकी होस्ट वंदना। आज हम बनाएंगे दाल मखनी ढाबा स्टाइल। उसके लिए हम उड़द की दाल को, राजमा को ओवरनाइट सोक कर लेंगे। हमें थोड़ा सा सरसों का तेल चाहिए, कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक, नमक और हल्दी पाउडर। बनाने के लिए हम कुकर में दाल को डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद पानी डालेंगे, तकरीबन एक लीटर पानी डलेगा इसमें। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज मिला देंगे। अब कटी हुई हरी मिर्च भी इसी में मिला देंगे और बारीक कटा हुआ अदरक भी इसी में मिला देंगे। अब इसमें करीब दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब एक चम्मच नमक डालेंगे और एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम लिड लगा के इसको 8-10 सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद हमारी दाल है कुछ ऐसी लगेगी। अब इसको तड़का देने के लिए हमें चाहिए कटा हुआ प्याज, टमाटर और क्रीम चाहिए, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और देसी घी। इसको बनाने के लिए हम एक बड़ा चम्मच देसी घी लेंगे और प्याज डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच डालेंगे, एक ही चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब गैस बंद करके अब हम इसमें करीम मिला देंगे। करीम मिला के अच्छी तरह से चला देंगे। लीजिए, हमारी दाल मखनी ढाबा स्टाइल तैयार है। अब हम इसको करीम के साथ सजा देंगे और इसको गर्मा गर्म लच्छेदार परांठे के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।